आज हम आपको जादूगोड़ा क्षेत्र के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां के लोग गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। ये आदिवासी परिवार हैं जो सालों से ऐसे ही गड्ढे से पानी लाते रहे। लगभग 3,000 की जनसंख्या इस छोटे से गड्ढे यानी चूहे पर निर्भर है। देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ आज भी है दुर्लभ गड्ढे का पानी पी रहे आदिवासी परिवार। दूर जंगल में है पानी का गड्ढा। 3,000 लोगों की बुझा रहा प्यास। सुबह से ही पानी के लिए लगती है भीड़। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि महिला और बच्चे जिस गड्ढे से पानी भर रहे हैं उस गड्ढे का पानी हम और आप नहीं पी सकते। लेकिन इनकी नियति देखिए, सालों से ऐसे ही पानी भरते आए हैं। जादूगोड़ा के सुमायडी समेत आधा दर्जन गाँव के लोग इसी गड्ढे के पानी पर निर्भर है। जो प्रश्न पंचायत पड़ता है यहाँ पे, गांव सुमायडी है। यहाँ पे सुमायडी में बहुत सारे बस्ती है जो ये हमारे यहाँ पे जो पीने का पानी का समस्या बहुत मुसीबत में है। यहाँ पे ये नाला का पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रखंड के चक्कर लगाए, बार बार अधिकारियों के सामने मिन्नतें की, लेकिन इनकी किसी ने ना सुनी। आज भी ये इसी गड्ढे के पानी पर निर्भर है। सब लोग नाला का ही पानी पीते हैं। यहाँ में चपाकल भी नहीं है, है लेकिन एक तो और भी खराब है, बहुत दिक्कत है। गर्मी या बरसात हो इसी का पानी पीना पड़ता है। अब तक किसी भी विभाग ने इन ग्रामीणों की सूध नहीं ली और उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। यदि जल्द ही इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बारिश में हालात बदतर हो सकते हैं। न्यूज 11 भारत के लिए पोटका से विद्या शर्मा की रिपोर्ट।